नमस्कार, मैं हूँ रिया पिपलीवाल और आप देख रहे हैं मनासा क्षेत्र का प्रथम डिजिटल न्यूज चैनल MP7 न्यूज वेब एंड यूट्यूब न्यूज चैनल। आप MP7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें। देखिए रतलाम जिले की विशेष बड़ी खबर। जी हाँ, मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में शुक्रवार रात एक पति ने पत्नी की बीच सड़क पर जमकर पिटाई की। सरेआम हुए इस फैमिली ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिला की पिटाई करने वाला पति दीपक टांग दूसरी शादी करने की तैयारी कर रहा था। इस बात की भनक लगने पर पत्नी पिंकी अपने परिजनों के साथ जवाहर नगर स्थित ससुराल पहुंच गई। मिली जानकारी के मुताबिक पिंकी का आना ससुराल वालों को नागवार गुजरा और उसके साथ बीच सड़क पर मारपीट शुरू कर दी। वीडियो वायरल होने के बाद औद्योगिक थाना पुलिस ने इस मामले पर संज्ञान लिया और आरोपी पति दीपक टांग पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। पीड़ित महिला पिंकी ने बताया कि प्राइवेट कंपनी में काम करते समय दीपक से मुलाकात हुई थी। 3 साल पहले दोनों ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ लव मैरिज कर ली। कुछ दिनों तक सब ठीक चला, लेकिन बाद में दीपक की मां उसे परेशान करने लगी। पुलिस ने पति के खिलाफ दर्ज किया मामला। महिला ने बताया कि कुछ महीनों बाद दीपक वापस उसके घर जाकर रहने लगा। शुक्रवार को जानकारी मिली कि दीपक की दूसरी सगाई जावरा की रहने वाली किसी अन्य लड़की से हो चुकी है। इसे लेकर वह अपने पति से बात करने ससुराल पहुंची थी, लेकिन ससुराल वालों ने और पति दीपक ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में महिला को सर पर और पेट में गंभीर चोटें आई। उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वीडियो वायरल होने के बाद औद्योगिक थाना पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए आरोपी पति और ससुराल वालों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। रतलाम जिले की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।